हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग टुडे इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केटिंग का मतलब जानेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ योर सर्विस, एंड उसके बाद जो मेन टॉपिक है 7 P's ऑफ सर्विस मार्केट, तब हम उसके ऊपर पहुँचेंगे. बिकॉज इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, देन सर्विस मार्केटिंग को पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता. पहले आप मार्केटिंग शब्द को समझिए. देखिए, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अ नथिंग, जस्ट अ प्रोसेस जहाँ पे आप अपने मार्केट के कंज्यूमर्स की अनसेटिस्फाइड नीड्स को पहचानते हो या फिर उनकी नीड्स को पहचानते हो और उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है मार्केट में लेकर के आते हो और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से उसकी जो अनसेटिस्फाइड नीड है, यानी कि ऐसी नीड जो कि अब तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है, उसको कंप्लीट करते हो या उसको सेटिस्फाई करते हो. दैट इज कॉल्ड योर मार्केटिंग. सिंपल, वेरी सिंपल. नाउ सर्विस मार्केटिंग. देखिए, सर्विस मार्केटिंग यानी कि यहाँ पे आप बाय सर्विस, यानी कि सर्विस के थ्रू आप क्या करते हो, ये पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस करते हो. सर्विस क्या होती है? जैसे कुछ यहाँ पे आपकी इनटेंजिबल आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे सामने वाले पर्सन को हेल्प मिल रही है. किसी को जो है, आप जाओगे पार्लर्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर, आपकी जो है फेशियल का कुछ सर्विसेज. वहाँ पे आप प्रोडक्ट नहीं बाय करते हो, वहाँ पे आप सर्विसेज बाय करते हो. ठीक है, ऐसे ही आप एडवेंचर आइलैंड्स वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पे आप झूले में झूल के आओगे. आप वहाँ सिर्फ ये जो है सर्विस कुछ लेकर के आओगे, इन्जॉय करके आओगे. यू आर नॉट गोइंग टू बाय द होल पार्क या फिर जो है पूरा झूला स्विंग वगैरह आप नहीं बाय करते. तो ये सब क्या है, सर्विस चीज़ें हैं जो कि आपको दिखती नहीं है, बट यहाँ पे आपको उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो सारी आपकी सर्विस में आती है. और यहाँ पे उन्हीं सर्विस के थ्रू आपकी नीड्स को कंप्लीट करती है जब कोई कंपनी, तो उसको कहा जाता है सर्विस मार्केटिंग. अब यहाँ पे सर्विस की जब मार्केटिंग की जाती है तो उसके 7 P's कौन से होते हैं? देखिए, सर्विस मार्केटिंग जो है एक फॉर्म होता है मार्केटिंग का, जहाँ पे फोकस किया जाता है सर्विसेज को बेचने पे लेकर के. ठीक है, जैसे नॉर्मल मार्केटिंग है वहाँ पे हम गुड्स बेचते हैं, और जो सर्विस मार्केटिंग जब वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है, इट मीन्स कि भैया सेलिंग करना ऑफ द सर्विसेज का सेलिंग करना. सर्विस कैन बी ट्रिकी टू सेल. सर्विस जो है कई बार ट्रिकी हो सकता है बेचने के लिए, बिकॉज दे हैव सर्टन डिस्टिंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों? क्योंकि उनके कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मार्केट अप्रोच यहाँ पे जो फॉलो की जाती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है टू दोज जो कि सेलिंग प्रोडक्ट के टाइम पे की जाती है. मैं कहना क्या चाह रही हूँ, देखिए, जब आप प्रोडक्ट बेचते हो, आप हनी बेच रहे हो, आप दिखाओगे कि ये हनी का डब्बा है, आपके बच्चे को खांसी ज़ुकाम है, आप इसको जो है काली मिर्च लौंग इसके साथ मिला करके पी सकते हो. अगर आपको जो है वेट लूज़ करना है, मॉर्निंग में गर्म पानी में डाल करके पी सकते हो. इवन इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रंस. इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज़ शुगर, यू कैन यूज़ दिस वन, इट इज़ मोर हेल्दियर. तो ये जो प्रोडक्ट को लेकर के आप यहाँ पे अपनी चीज़ें बताते हो, अप्रोच बताते हो मार्केटिंग को, मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस में, तो वो आपका डिफरेंट होता है. बट वहीं जब आप सर्विस बेचने जाओगे तो आपके लिए अलग यहाँ पे जो है कह सकते हो कि सेम आइडेंटिकली आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे. जैसे आप जो है कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करते हो, आप कंप्लेंट्स हैंडल करते हो, मैनेज करते हो रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, इम्प्रूव करते हो सर्विस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्विस ऑपरेशन, एंड बिकम अ सर्विस लेंडर इन योर इंडस्ट्री. जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स होते हैं वो इस केस में एक्सटेंड किए गए हैं. जैसे आपके जो पहले 4 P's होते हैं, नॉर्मल 4 P's, वो तो इसमें है ही है, बट उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ आपके P's इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके टोटल 7 elements प्रेजेंट होते हैं इसमें. सबसे पहले प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिससे आप बेनिफिट दे रहे हो, सेटिस्फैक्शन दे रहे हो, जो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस में आपको जो है उसको दे रहे हो. सो प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब है कि भैया बेनिफिट एंड सेटिस्फैक्शन जो कि एक कस्टमर एक्सपीरियंस लेता है. अगर आप बैंक पोजीशन में देखोगे इटसेल्फ एज बैंक विद ह्यूमन टच, एंड व्हेन यू विजिट द बैंक नो एम्प्लॉय टॉक टू यू प्रॉपरली, दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू योर क्वेरीज एंड आंसर, देन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद द सर्विस. ठीक है, जैसे कि आप देखोगे आपके जो है SBI पे इतने मीम्स बनते हैं कि जब भी जाओ लंच टाइम चल रहा होता है, तो ये मीम क्या है, दैट बिकॉज आप बैंक आजकल बहुत यूज़ कर रहे हो, और अगर आप बैंक चाहते हो एंड यू आर नॉट फाइंडिंग दैट द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग देयर, इफ़ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू प्रॉपरली, यू मे फील दैट यार मज़ा नहीं आया, ये बैंक बहुत ख़राब है, अनसेटिस्फाइड होते हो आप वहाँ बैंक से.
चाहे उनके ज़िंदगी में कितने भी ख़राब सिचुएशंस चल रही हो, बट अगर वो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, वाई? बिकॉज दे आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक एंड दे आर सिटिंग देयर टू सर्व यू, एंड इफ दे आर नॉट सर्विंग यू इन अ बेटर वे, और यू कैन से इन द प्रॉपर वे, देन यू मे फील दैट यार दिस बैंक इज़ नॉट गुड, सो यू आर नॉट सेटिस्फाई इन दैट सिचुएशन. सो ऐसा प्रोडक्ट देना जिससे जो है यहाँ पे वो लोग सेटिस्फाई हो सके. अब यहाँ पे क्या है, सर्विस मार्केटिंग है. सो प्रोडक्ट इज़ व्हाट? प्रोडक्ट इज़ सर्विस, दैट आप उससे अच्छे से बात करो, कस्टमर के साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करो. तो वो प्रोडक्ट आपका है कि आप उनसे सही तरीके से बात करो. प्रोडक्ट जो आपका है यानी कि जो सर्विस है आपकी, वो सर्विस आप अच्छे से दो. नेक्स्ट इज प्राइस. द प्राइस जो कि आप चार्ज कर रहे हो कैन टेक फ्रॉम अ फी चार्ज बाय प्रोफेशनल्स फॉर देयर सर्विस. जैसे कि आपने देखा होगा, आप सीए के पास जाते हो, सर्विस लेते हो आप उनसे, जीएसटी रिटर्न भरवाना, इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना, फॉर्म्स भरवाना, दीज ऑल आर व्हाट, दीज यू आर नॉट बाइंग एनी गुड फ्रॉम देम, ठीक है, यू आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम देम. सो ये जो आप जो है सर्विस उनसे ले रहे हो, तो वो प्राइस क्या आपको चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि एडमिशन टिकट्स लेना फॉर अम्यूजमेंट पार्क, कमीशन चार्ज करना बाय एजेंट एंड सो ऑन. सो ये जो है डिफ़िकल्ट होता है इस्टेब्लिश करना प्राइस ऑफ सर्विस, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इनटेंजिबल नेचर है. आपके पास एक बाल्टी रख दी, आई विल शेयर वन एग्जाम्पल विद यू, ठीक है. मैं थोड़ी सी छोटी थी, छोटी मीन्स आई थिंक आई वॉज एट 13-14 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड आई वेंट टू द मार्केट विद माई मदर, एंड देर वॉज अ शॉपकीपर हु सेड दैट दिस प्लास्टिक बास्केट इज़ वेरी गुड, इफ़ यू विल स्टैंड on it, it will not break, okay, and he was he started giving us a demo and he actually stands on it and it broke, okay, and at the same time usi time pe jo hai wo toot gaya. To yahan pe you know that if you have a product in front of you, you know that what value it is. Aap bata sakte ho yaar ye plastic bottle bahut kharab si hai, you can touch it and you can feel it that this is a disgusting product and you will not pay for more than 10 rupees 20 rupees or as you think is okay with it. To aap usse zyada paise usko nahi doge, but still if you have another product with you of the better quality, then you know that if I have to buy this one, I am ready to pay much than the another one. तो आपको पता है कि मैं इसके लिए ज़्यादा दे दूँगा. But service is what? Service you cannot see कि भैया इसकी value क्या है कई बार. तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा hard हो जाता है to find it out कि भैया इसका क्या price charge करना है. जैसे कि agent आपसे price charge कर रहा है या फिर जो है कुछ भी price charge किया जा रहा है service का, तो वो intangible product है, intangible nature है. So it may be difficult for you to find out that what price should be चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है. डिफ्रेंशिएट करना प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे फॉलो की जा सकती हैं बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स, कि भैया डॉक्टर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, लेस चार्ज कर रहे हैं लोअर इनकम वाले लोगों से, जैसे कोई गरीब है तो उससे कम कर लिया, लो चार्ज कर रहे हैं ऑफ एयर ट्रैवल ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जैसे कि ऑफ सीजन है तो कोई जा रहा है तो फिर उससे कम चार्ज करना. एंड आप देखोगे कि अभी 2-3 दिन छुट्टियाँ हो गई दिल्ली में, बिकॉज यहाँ पे G20 का प्रोग्राम्स है, तो मैनी प्राइवेट आपके जो हैं ऑफिसेज आर क्लोज राइट नाउ. सो पीपल हु आर वर्किंग इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट दे डिड, दे जस्ट वेंट टू गो जो है अपने अपने घरों पे और मे बी कहीं घूमने फिरने. तो आप देखोगे ना, अगर उसके 3-4 दिन पहले तक कहीं टिकट्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो ये क्या है कि भैया बहुत ज़्यादा एकदम से जो है सारे लोग आ गए, तो उसके लिए हायर प्राइजिंग होने लग गई, पीक सीज़न बन गया. या फिर आप देखो रेस्टोरेंट्स वगैरह ऑफरिंग, जैसे कि आजकल के लोगों को बड़ा चस्का चढ़ा रहता है, वो लोग मंदिरों में जाकर के रील्स बनाना उनको बड़ा पसंद है, दे डोंट गो देयर टू डू द दर्शन. एक्चुअली 80% पीपल्स आर जस्ट गोइंग टू रिकॉर्ड द यू नो टिकटॉक एंड अनदर थिंग्स. तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पीक सीज़न हो जाता है उस साइड के रेस्टोरेंट्स में, या फिर जो है आपके लोअर प्राइस जहाँ पे भी आपको मिल रहा है वहाँ पे मील्स मिल रही है आपका, वहाँ पे ज़्यादा रश दिखेगा. एग्जाम्पल जैसे कि है डिफरेंशिएट प्राइसिंग का, कि जैसे सर्विसेज है विद अ टेंजिबल कंपोनेंट्स, वो इजी होती है प्राइस करना. जैसे कि आपको खाना दिया जा रहा है रेस्टोरेंट में, सर्विस भी दी जा रही है, सो खाना दिया जा रहा है टेस्टी है, सो यू कैन डिसाइड दैट या प्राइस इज ओके विद इट. लाइक ड्राई क्लीनिंग के लिए आप जा रहे हो सर्विस के लिए, वो पूरा दाग आपका हट गया है कपड़े से, यू नो दैट प्राइस विच ही इज आस्किंग फ्रॉम मी इज ओके, ठीक है. भले ही वो वहाँ पे सर्विस दे रहा है, बट यू नो कि भैया यहाँ पे कुछ जुड़ गया है जो आपको दिख रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे आप जो है प्राइस को देख सकते हो. नेक्स्ट इज प्लेस. सर्विस जो है कैन नॉट बी एसोसिएटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. अब प्लेस क्या है, सीए को ज़रूरी नहीं है कि जब वो ऑफिस में बैठा है ओनली देन ही कैन गिव यू द एडवाइस, ओनली देन ही कैन कंसल्ट यू. नो, आप कहीं भी पकड़ लो उसको, चलते राह पे, शादी ब्याह में आप देखना जो भी सीए लोग हैं ना उसके साथ अंकल आंटी बैठे हुए कुछ ना कुछ दे आर डिस्कसिंग कि बेटा अगर ऐसा कर लिया तो, बेटा बच्चे को जमीन जायदाद दे दी तो क्या टैक्सेशन लगेगा, उससे ले ली तो क्या टैक्सेशन लगेगा. यू विल सी, यू विल नोटिस
इट ओके बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फैमिली वेयर मीन्स इन एक्सटेंडेड फैमिली देर आर 2-3 CAs या जो कर रहे थे या फिर जो उनकी नहीं हुई सो दैट टाइप ऑफ पीपल आर देयर इन माई हाउस सो वेन एवर वी सिट टुगेदर सो देर आर सम पीपल हु यूजली आस्क टू देम सम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पर कहना क्या चाह रही हूँ दैट कोई भी व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर है आप उससे उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते जैसे आपको फ़ोन लेना है यू हैव टू गो टू द शोरूम आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा शोरूम पर जाना पड़ेगा दुकान पर जाना पड़ेगा सो देर इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन यू हैव टू गो देयर एंड देन ओनली यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट वेन इट इज़ अबाउट सर्विस आपको मसाज करानी है ठीक है आपका गर्दन दुख गया तो आप घर पर बुला लो ठीक है क्यों क्योंकि उसके हाथों में ही उसकी वो सर्विस अवेलेबल है तो यहाँ पर सर्विस को आप अलग आइसोलेट नहीं कर सकते सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू या कह लीजिए सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे दुकान है ठीक है जो भी आएगा लेके चला जाएगा बट सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ टाइम देगा वहाँ देगा वहाँ देगा तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाता जैसे कि सर्विस ऑफ डॉक्टर आप उसको जो है एक लिमिटेड क्लिनिक में जो यहाँ पे वो बैठता है वहाँ पे जितने लोग आएंगे ट्रीटमेंट के लिए वो उसको ही अपनी जो है सर्विस दे पाएगा या फिर जहाँ जहाँ वो डॉक्टर का प्लेस विजिट कर रहा होगा वो वहाँ ही सर्विस दे पाएगा डॉक्टर के पास ऐसा नहीं है कि उसका क्लिनिक है जिसको चाहिए जाओ जाके सर्विस लेकर के आ जाओ नहीं अगर वो डॉक्टर बैठा है देन ओनली ही कैन गिव यू द सर्विसेज अल्टरनेटिवली एक डॉक्टर जो है वो विजिट कर सकता है पेशेंट के रेजिडेंस पे बट दैट टू हैज़ लिमिटेशन डॉक्टर की भी लिमिटेशन हो जाती है वो हर बार हर किसी को जो है यहाँ पे टाइम नहीं दे पाता अब लेट सपोज यहाँ पे 50 लोग बिठा दिए एक डॉक्टर बिठा दिया और कहा कि एक घंटे में निपटा दो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा भैया इतने लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर ओनली वन है वहीं आपने 15 डॉक्टर बिठा दिए 50 लोग बिठा दिए जल्दी निपटाएंगे क्यों क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स आर मोर नाउ तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है सर्विस प्रोवाइडर में एक तरीके से कह सकते हो कि लिमिटेशन बन जाती है प्रमोशन सर्विस कैन बी प्रमोटेड यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स अब यहाँ पे जो है प्रमोशन कर सकते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया डिफरेंट मीडियाज के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू या फिर जो है जैसे पार्लर खुला है या कुछ खुला है तो आप देखोगे उसकी जो है मार्केटिंग बहुत होती है पर्सनल सेलिंग्स के थ्रू या फिर ऑल कैन बी यूज टू प्रमोट सर्विस सब चीज़ें जो है यहाँ पे सर्विस प्रमोट करने के लिए यूज़ की जाती है बैंक आजकल आप देखो एडवर्टाइज करते हैं नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे आप देखोगे कि आपको हर महीने जो है हम सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट दे रहे हैं ये क्या है दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट डन बाय बैंक्स बैंक्स what they are doing they are giving the service they are the service provider so they are promoting their services by the different methods like your newspaper your television and other type of promotional tools next is your people play very important role as employee of the organization are the face of and how well they deal with the customer will decide failure or success of the organization aapne dekha hoga kai baar na kuch government organization ko lekar ke ab aajkal to bahut achhi cheeze ho gayi hai that if you find something very fishy what you do is you take out your mobile and record it and upload it on the internet that's very easy now you can show the face of the people on the internet that how the guys are actually behaving so one video I saw about government बैंक जहाँ पे दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय वॉज नॉट वर्किंग वेल ठीक है ठीक तरीके से नहीं कर रही थी सॉरी शी वॉज हैविंग हर बेबी विद हर सेल्फ शी वॉज जस्ट प्लेइंग विद हर उसका जो भी छोटे से बेबी थी उसके साथ प्ले कर रही थी वहाँ पे कस्टमर आया ही आज कि भाई ये काम कराना है इट्स वेरी अर्जेंट प्लीज़ मेरे काम पर ध्यान दे दो ठीक है उसके पर नॉट इवन शी वॉज वर्किंग नॉट इवन हर टीम वॉज वर्किंग विद हिम फॉर हिज वर्क जो भी वो आदमी लेकर के आया था सो उसने क्या किया ही जस्ट रिकॉर्डेड अब यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो कि पूरे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था अब उसके गलत बिहेवियर की वजह से पूरे बैंक की रेपुटेशन ख़राब हो गई तो यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं वो लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से कह लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इफ़ आई एम वर्किंग इन SBI मैं बैठी हुई हूँ SBI के किसी बैंक के ब्रांच पे सीट पे बैठी हुई हूँ लोग आ रहे हैं मुझे सर्विस लेने के लिए कि हमें FD करानी है हमें ये कराना है वो कराना है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकलवाना है एंड इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग टू देम वेरी वेल या फिर आई एम टॉकिंग इन रबिश लैंग्वेज या किसी भी तरीके से गलत तरीके से मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वहाँ पे सिर्फ मेरी छवि खराब नहीं जाएगी दे डोंट नो हु द कोमल अरोड़ा इज दे डोंट गिव अ केयर अबाउट इट व्हाट दे विल थिंक इज दैट दिस होल बैंक इज बकवास एंड आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट फ्रॉम दिस बैंक ठीक है वो पूरा बैंक को बदनाम करके जाएंगे वो सिर्फ मुझे नहीं जानेंगे वो कहेंगे कि बैंक ही बकवास है आप कभी भी देखना यही चीज़ होती है सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग वेल बाकी सब अच्छा कर रहे हैं डजेंट मैटर बट पूरा बैंक वाली सुनेगा तो ये क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्योंकि वो कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं और अगर वो अच्छे से डील करते हैं वो फेल होते हैं तो वो
पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, एंड अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है आप कंज्यूमर्स को दो, और यहाँ पे जो है कस्टमर ठीक तरीके से उनके साथ जो है हैप्पी जो है डिस्कशन करे, चीयरफुल रहे, ठीक है, और उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस उनको दे करके भेजे। प्रोसेस रेफर करता है टू द सिस्टम यूज टू डिलीवर द सर्विस, यानी कि जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से आप अपनी सर्विस को डिलीवर कर रहे हो वो सिस्टम कैसा है। इमेजिन कीजिए कि आप जो है मैकडोनल्ड्स आउटलेट में जाते हो, ऑर्डर करते हो हैप्पी मील, बिल पे कर देते हो और बैठे रहते हो। विद इन टू मिनट्स जो है आपको डिफरेंट एम्प्लॉय कंप्लेन जो है कंपाइल करता है द आइटम फ्राइज बर्गर एंड कॉक एंड डिलीवर योर ऑर्डर, आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया। दिस मीन्स जो प्रोसेस है वो फास्ट इनफ है कि आपको एफिशिएंटली आपकी सर्विस की डिलीवरी दी जा रही है। ऐसा नहीं आप बैठे हो कान को जा रहे हो, अरे मेरा माल नहीं आया, मेरा सामान नहीं आया, दैट इज़ नॉट हैपनिंग हियर। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको सर्विस दी जा रही है वो फास्ट हो, आपको सही टाइम पर आपके प्रोडक्ट्स या जो भी आपकी सर्विस है सॉरी वो मिल जाए। सो इन द सेम ऑर्डर बुक 15 मिनट्स, देन द कस्टमर में गेट अनॉयड एंड डिससेटिस्फाइड, और वहीं पर आपको अगर 15 मिनट लग रहे हैं वही ऑर्डर लेने मिलने में तो आप अनॉय फील करोगे। आप देखो मैकडोनल्ड में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता यूजुअली, मुझे तो आजकल टू बी वेरी सीरियस इट्स हैज़ बिन नाउ 3 to 4 years आई डोंट गो एनीवेयर एक्सेप्ट माय ऑफिस टू होम टू ऑफिस, ओके। सो मैं बट मैं जब कॉलेज टाइम में व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर I saw that the process of their service is very fast. You just give them the order and they just give you your order in 2 to 3 minutes. You don't even have to go to your seat and come back. No, you will just stand at the counter. They will just give you their your order in 2 minutes. Okay, so the process is very fast. And then let's suppose you have to wait for 15 hours. So obviously you will not like it. Why? Because you are not ordering a proper food. Like if you are going to an hotel and you are asking for dal makhani, naan. So it will take a time. Why? Because this product will take a time to be served. To be cooked. So obviously here you expect yes that 10 minutes 20 minutes is normal, but at the fast food chain industry, so the service which they are providing that should be provided in the less time period. Okay, so the process jiske through aap wo de rahe ho wo bahut zyada impact kar deta hai. Physical evidence is what? Physical evidence refers to the physical environment jahan pe aap apne service deliver kar rahe ho. Aap McD mein jaiye, pura proper setup hai, aisa nahi hai ek jagah kali ek jagah peeli ek jagah neeli kursiyan hai, matlab wo synchronization karke coloring ki gayi hai, aisa nahi hai kuch bhi bana diya hai. To wahan ka interior, wahan ka decor, wahan ka decor, wahan ka logo, wahan का एम्बिसिस एट्सेट्रा, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर हु आर कमिंग टू यू फॉर द सर्विसेज. लाइक लेट्स सपोज कोई आया है आपके पास, अगर वो देख रहा है कि बिल्कुल गंदगी है, टेबल साफ नहीं है. आप देखोगे मैकडीज में या पिज़्ज़ा हट्स में या जो भी ऐसे आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे हर वक्त जो है क्लीनिंग के लिए लोग अवेलेबल होते हैं, ठीक है. जैसे ही एक पार्टी उठ के जाएगी, एक टेबल खाली होगा, तो विल जस्ट कम टू दैट टेबल, क्लीन करेंगे फटाफट उसको ताकि दूसरा कस्टमर आकर के वहाँ पे बैठ सके, उसको यूज़ कर सके. क्यों? क्योंकि वहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. लेट्स सपोज वो उठाए ही ना, वो वहीं पर टेबल पे पड़ा ही रह जाए, वो जो है आपका ट्रे जिसमें टिश्यूज़ पड़े हैं या फिर पुराना जो है खाया हुआ थोड़ा सा सोसेस पड़े हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के बैठना पसंद नहीं करोगे. आप देखोगे कौन सा टेबल खाली है, और अगर ये साफ ही नहीं होगा तो आप बैठोगे ही नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स जो हैं वो एंटरटेनिंग एक सलून में है, सलून में एंटरटेनिंग करने गए हैं, काम कराने गए हैं, तो वहाँ पर जो है वो प्लीज़ सकते हैं अगर उनको कंफर्टेबल सोफा मिल जाए, ठीक है, एयर कंडीशनर सेक्शन मिल जाए, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिल जाए, ठीक है, तो ये म्यूजिक्स मिल जाए पीछे, तो ये चीज़ें क्या करती हैं वो उनको और ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन फील कराती हैं. तो ये सारे फिजिकल एविडेंस है जहाँ पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो एरिया आपने कैसे बना करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपका जो है कॉलेज की कैंटीन में चले जाइए, आधी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं. आई डोंट नो अबाउट यू बट व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज आई रिमेंबर आधी कुर्सियाँ टूटा हुआ, आधा कुर्सियाँ ठीक है, आधे पे बच्चे चढ़ के जो हैं अपने व्हाट फॉर इस फैंसेस करके जो है चलाते रहते थे. तो बट ये चीज़ें आपको जो है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है एक्चुअली में, जैसे कि आपकी आउटलेट्स हो गई या कहीं और हो गई, वहाँ नहीं मिलेगी. वहाँ आपको प्रॉपर सर्विसेज के साथ साथ जो है इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलेगा, ताकि यू मे फील वेरी गुड अबाउट द प्रोडक्ट ऑल्सो एंड द सर्विस ऑल्सो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय.